जब भारत सरकार लिखित में देकर के मुकर जाए तो क्या कहोगे आप? सबसे ज्यादा दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। 3 साल तक लंबी लंबी फेंकी, हर साल 100 लाख करोड़ की बात करता था। 100 लाख करोड़ का देश का बजट नहीं है तो देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? बात करता नहीं, काम करता नहीं तो देश का नाकारा प्रधानमंत्री जनता देख रही है। 2024 होगा, फेंकू राम पता नहीं गुजरात में होगा या विदेश में होगा, भारत की गद्दी पर नहीं होगा। शेर को कोई नहीं घेर सकता, शेर तो जिधर चलता अकेला चलता, देख अकेला चलू, सुरक्षा में तो गिद्दड़ चले। पता इससे पहले देश का कौन सा प्रधानमंत्री रोया? कोई प्रधानमंत्री नहीं रोया और ये 9 बार रो लिया। बहादुर लड़ता है और कायर रोता है, डरपोक रोता है, शेर लड़ता है। कभी तुमने शेर को रोते हुए नहीं देखा? कायर प्रधानमंत्री हमने चुना था, ये हमारे देश की सबसे बड़ी भूल है। इस देश में 1 साल लगातार किसान आंदोलन चला जिसमें 700 से ज़्यादा किसान जो है शहीद हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपकी जो मांगे हैं हम उनको फिल करेंगे, लेकिन किसान जो है अभी भी उससे आश्वस्त नहीं है, आश्वस्त नहीं है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो रोजगार आंदोलन को समर्थन देने पहुँचे, इनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। आप लोगों को तो आश्वासन दिया गया था, आपकी मांगे MSP पे कानून गारंटी हो, या आपके जो किसान थे जो जिन पे मुकदमे दर्ज हुए थे वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे, फिर अब ऐसी क्या समस्या आ गई कि आप लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ा, लखीमपुर खीरी में धरना करना पड़ रहा है? असल में क्या है, इस देश के अंदर जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है और उसने पूरे देश के अंदर किसानों को ठगने का काम किया। 1 साल तक धरना चला, उन्होंने मांगों को मानने का काम करा, मांग मान ली कि भाई ठीक है हम MSP पर गारंटी का कानून बना करके देंगे, लेकिन आज 1 साल बाद अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने एक समिति बनाई जिस समिति के अंदर उन्होंने MSP गारंटी कानून बनाने के बजाय MSP को पारदर्शी कैसे बनाया जाए ये विषय रख दिया। तो कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का काम ये सरकार कर रही है और इस सरकार को आज नहीं तो कल ये देश की जनता यहाँ से देश से निकाल के बाहर करेगी। ये सत्ता में ये सरकार नहीं चल पाएगी। एक इसको आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, लखीमपुर खीरी में सैकड़ों किसानों के ऊपर इस BJP सरकार ने अपनी गाड़ी से जो है किसानों को कुचला था, मंत्री के बेटे ने, और मंत्री के बेटे को 1 महीने बाद जाकर के उसे सजा हुई, उसे जेल में सजा नहीं हुई, उसे पकड़ा गया और वो जेल में गया। और अभी एक में अभी तुरंत जो है अभी की जो व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ, नोएडा में आज त्यागी समाज इकट्ठा हो रहा है। त्यागी समाज का एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति, उसने एक महिला को अपशब्द बोल दिया था, उसके लिए उसे गैंगस्टर लगा करके उसे जेल भेज दिया। और एक मंत्री का बेटा जिसने सरेआम किसानों को कुचला, उस मंत्री के बेटे को 1 महीने बाद पकड़ा गया। तो ये सरकार, ये द्वेष वाली सरकार है, ये हमारे अंदर जो है अंतर पैदा करने वाली सरकार है, ये हिंदू मुस्लिम करा करके वोट खरीदने वाली सरकार है, वोट बटोरने वाली सरकार है और अपनी सत्ता में रहने वाली सरकार है। इस सरकार के विरोध में हमारा ये धरना आज रोजगारी के लिए जो धरना यहाँ लगा हुआ है, रोजगार का जो मंच है, इन्होंने हमारी एक मांग बड़ी अच्छे से रखी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृषि उपज की MSP की जो गारंटी का कानून की जो इन्होंने मांग रखी है, ये भी एक रोजगार का काम करती है, क्योंकि किसान एक ऐसा अपने आप में एक व्यवस्था है, एक कॉरपोरेशन है, जो अपने यहाँ किसान, पूरे देश के अंदर के किसान, यदि उन्हें अच्छा रेट मिलेगा तो वो इस कॉरपोरेशन की, इस व्यापारी संगठन की संरचना को बिल्कुल बदल के रख देगा, क्योंकि उसके यहीं इतनी मजदूरी की जरूरत होगी और इतना रोजगार वो उत्पन्न कर देगा देश के अंदर, देश उन्नति करता करता रुकेगा नहीं। और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आज देश के अंदर जो सत्ता चल रही है वो देश को ठगने का काम कर रही है,
देश को पीछे करने का काम कर रही है, क्योंकि उसने देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को बेचने का काम करना शुरू कर दिया है। और एक भी सरकारी संस्था ऐसी नहीं छोड़ी है उन्होंने जिसके अंदर वो प्राइवेटाइजेशन नहीं लेकर के आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जब वो लेकर के आ रहे हैं तो वो सरकार की रहेगी कैसे, सरकार को उससे फायदा मिलेगा कैसे, ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस सरकार से। क्या लगता है हरेंद्र ताव जी, आज भी एक साल हो गया लेकिन टेनी जो है उनका इस्तीफा नहीं होता, उनके बेटे को जमानत भी मिल जाती है। भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जब कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ में होगी तो वो इस देश का दुर्भाग्य होगा। और इस देश को इतने बड़े दुर्भाग्य में धकेलने वाला एक ही आदमी है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। किसान आंदोलन में हमने देखा था कि एक से एक बुद्धिजीवी जो थे लोग हमने देखे थे, जब उनसे बात करते थे तो लगता था, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक जो है देश के प्रधानमंत्री वो इतने बड़े समुदाय को, किसान को, किसान जाति को वो चकमा दे जाते हैं या समझिए कि उनको बेवकूफ़ बना जाते हैं, क्योंकि MSP पे जो बात हुई थी, जो मांगे हुई थी, अभी भी वो फुलफिल नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए लिखित में जब भारत सरकार लिखित में देकर के मुकर जाए तो क्या कहोगे आप, तो मुकरे हैं प्रधान, धोखा दिया है देश की जनता को, धोखा दिया है देश के किसानों को, झूठा है देश का प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। किस आधार पे आरोप लगा? किस आधार पे आरोप लगा? मैं सबूत के साथ बोलता हूँ, जब लाल किले पर खड़ा होकर के कहता है, भाइयों बहनों जब 2022 होगा, देश अमृत काल मनाता होगा, देश में एक भी व्यक्ति बिना छत के नहीं होगा, क्या वादा पूरा हुआ? भाइयों बहनों जब देश अमृत काल मनाता होगा, किसान की आय दुगनी होगी, क्या हुआ? नहीं हुआ। भाइयों बहनों मैं 5 साल के इस साल 100 लाख करोड़ की योजना लागू करता हूं, तो जब देश में 100 लाख करोड़ का बजट नहीं है तो योजना कैसे? 3 साल तक लंबी लंबी फेंकी, हर साल 100 लाख करोड़ की बात करता था, 100 लाख करोड़ का देश का बजट नहीं है तो देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। और इस बार आया 8 साल का लेखे जोखे पे, जो 8 साल तक लाल किले से फेंक करके गया उसमें से किसी एक शब्द पर लाल किले से बोला? नहीं बोला, तो फेंकू राम। लेकिन आप लोग तो खुद इतने मतलब समझदार थे, सारी चीजें समझ रहे थे कि सरकार किस तरीके से किसानों के साथ कर रही, फिर आप लोग धोखा कैसे खा गए? लिखित में दिया, लिखित में है, कहो तो अभी दिखाऊं। भारत सरकार का सचिव संजय अग्रवाल, उसके लिखित में है हमारे पास। तो आप क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कहें? बात करें तभी तो कुछ कहें, बात करता नहीं, काम करता नहीं, तो देश का नाकारा प्रधानमंत्री जनता देख रही है। हम अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं कि सरकार धोखेबाज है, सरकार की बेइज्जती होती है, जनता देख रही है। 2024 होगा, फेंकू राम पता नहीं गुजरात में होगा या विदेश में होगा, भारत की गद्दी पर नहीं होगा। लेकिन आप जिस जनता की बात कर रही है वो लगातार सपोर्ट दे रही है बीजेपी को? नहीं दे रही। 2022 में ना गुंडा तत्र, बता महाराष्ट्र में कस सरकार बनवाई थी, इसकी बनवाई थी पैसे के बल पर, ED CBI इनकम टैक्स वो सरकार चला रही है। देश की कोई एक संवैधानिक संस्था बताओ जो आज जो है निष्पक्ष हो। अभी लखीमपुर खीरी में किसान धरने पर बैठे हुए 3 दिन से, लेकिन उनके जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे, तो इतना कमजोर कैसे है किसान? किसान कमजोर न... एक जमाना था जब लुटियन जोन में महेंद्र टिकैत सिंह जी आते थे तो चूल्हे हिल जाते थे, सरकारें सुनती थी। आज ताना साहा है, ताना साहा सुन नहीं रहा। क्या देख रहे हैं उसका सोल्यूशन? सोल्यूशन 2024 है, फिर 24, फिर 24 है, और क्या है? जनता के पास एक ही हथियार होता है, वोट की चोट। और हमारा काम देश को जगाना है, हम देश को जगाने में लगे हैं, जगह जगह पंचायतें कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं सरकार की नाकामी, कि सरकार कैसे धोखा देती है, ये चल रहा है।
किसान तो 2022 में भी कह रहे थे यूपी में बीजेपी साफ है, लेकिन बहुमत से आई जनता का समर्थन अभी भी है मोदी जी। तुम्हें सारों को यूपी तो दिखाई दे गया, पंजाब नहीं दिखाई दिया। तुम तो पंजाब में तो बीजेपी का कोई वो था नहीं, था अस्तित्व भी नहीं था। क्यों कांग्रेस क्यों पंजाब में बीजेपी का अस्तित्व खत्म है? तो फिर क्या करने गया था पंजाब, जब कह रहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कह दियो मैं जिंदा बच के आ गया। शेर कभी डरता ही नहीं, गिद्धड़ डरता है, हमने तो गिद्धड़ को तो डरते नहीं। आप लोग जब घेर लेंगे तो क्या करेगा इंसान, जब आप लोग घेर लेंगे किसान लोग तो क्या करेगा? शेर बचा गए, शेर को कोई नहीं घेर सकता। शेर तो जिधर चलता अकेला चलता, देख अकेला चलू, सुरक्षा में तो गिद्धड़ चले। प्रधानमंत्री की गिद्धड़ है, मैं कहता हूँ गिद्धड़ है। देश का प्रधानमंत्री चुनती है जनता के, देश में कानून बनाए, कानून लागू करे। बता इससे पहले देश का कौन सा प्रधानमंत्री रोया? कोई प्रधानमंत्री नहीं रोया, और ये 9 बार रो लिया लाल किले पे। ये तो देश के लिए, ये तो देश के लिए समर्पण है। समर्पण नहीं होता रोने से, समर्पण नहीं होता। कायरता दिखाई देती है रोने से, कायर रोता है, कायर बहादुर लड़ता है और कायर रोता है, डरपोक रोता है, शेर लड़ता है। कभी तुमने शेर को रोते हुए नहीं देखा? शेर लड़ेगा, भिड़ेगा, मरेगा या मार देगा, कभी रोता हुआ नहीं देखा। रोज रात को तुझे गिद्धड़ रोते हुए मिल जाएंगे। तो कायर प्रधानमंत्री हमने चुना था, ये हमारे देश की सबसे बड़ी भूल है। क्या कह रही थी मैम आप? मैं ये कह रही थी कि अभी मोदी जी ने बोला था कि फ्री की रेबड़ी। आप ये बताइए कि गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा? गरीब इंसान को अच्छा इलाज नहीं मिलना चाहिए? वो फ्री की रेबड़ी है क्या? पैसा खर्च करे तो पैसा क्या, अच्छी शिक्षा के लिए पैसा खर्च, अच्छी शिक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं। आप ये बताइए, नहीं नहीं आप ये बताइए, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने बीटेक किया आईआईटी से, वो सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। बीटेक के बाद में उसका मलेशिया प्लेसमेंट होने गया, उसने एमबीए की तैयारी की, एमबीए में ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1020 रैंक आया, वो भी केजरीवाल सिसोदिया जी की वजह से, सिसोदिया जी की वजह से, नहीं तो आज वो बच्चे ना इतने अच्छे पोस्ट पर नहीं बैठे होते। तो ये थे हमारे साथ किसान आंदोलन के नेता, जिनका साफ कहना है कि सरकार ने जो वादा किया है, एमएसपी का जो वादा किया था, अब वो वादे से मुकर रही है। हरेंद्र ताऊ ने बताया कि इस तरीके से सरकार ने लिखित तौर पर देने के बावजूद भी एमएसपी की गारंटी पर अब मुकर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जो हैं लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो अजय मिश्रा टेनी थे, उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी, उनको अभी तक भी सजा नहीं हो पाई है और ना ही आशीष मिश्रा टेनी का जो है इस्तीफा हो पाया। इसको लेकर भी लखीमपुर खीरी में धरना चल रहा है। तो किसान नेताओं से भी हमने आपको बात करके दिखाई। इस वक्त हम जंतर मंतर पर, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज़ दिल्ली।